मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पूर्णिकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम चतुर्मास के बारे में जानेंगे। चतुर्मास का समय साधना और सेवा के लिए बहुत ही खास माना जाता है। चतुर्मास का महीना धर्माचार्य साधु संतों के लिए बहुत ही खास होता है। इस दौरान वह एक स्थान पर रहकर जप तप और साधना करते हैं। पूजा पाठ करने और धार्मिक यात्रा करने के लिए चतुर्मास का समय बहुत ही शुभ होता है। अब जानते हैं कि चतुर्मास होता क्या है। चतुर्मास यानी चार महीने का समय। हरिशयनी एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है, इस एकादशी से भगवान विष्णु चार मास के लिए शयन मुद्रा में चले जाते हैं। और फिर देव उठनी एकादशी, जिसे देव प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, पर जागृत होते हैं। इन चार महीनों के लिए पृथ्वी का भार देवों के देव महादेव पर होता है। इसी काल को चतुर्मास कहा जाता है। लेकिन इस साल 2023 में सावन दो महीने होने के कारण चतुर्मास चार महीने का नहीं बल्कि पाँच महीने का होगा। गुरुवार 29 जून से 23 नवंबर तक चतुर्मास रहेगा। इस बार चतुर्मास गुरुवार के दिन से शुरू होगा और समापन भी गुरुवार के दिन ही होगा। पद्म पुराण के अनुसार इन चार महीनों में भगवान के दो रूप अलग अलग स्थान पर निवास करते हैं। उनका एक स्वरूप राजा बलि के पास पताल में और दूसरा स्वरूप सिर सागर में शेषनाग की सैया पर शयन करता है। व्रत साधना और सेवा के लिए चतुर्मास का महीना बहुत ही शुभ माना गया है। चतुर्मास में कहीं की यात्रा नहीं की जाती है। हाँ, पर ब्रज की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि ब्रज पुराणों में वर्णन है कि चतुर्मास में सभी तीर्थ ब्रज में निवास करते हैं। इसलिए सिर्फ ब्रज यात्रा से सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। चतुर्मास के इन चार महीनों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करना चाहिए, पर कोई सांसारिक शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवशयनी एकादशी से सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। अब हम जानते हैं कि चतुर्मास में हम क्या करें और क्या ना करें। व्रत नियम क्या होते हैं चतुर्मास के। चतुर्मास का महीना बहुत ही पावन और धार्मिक समय होता है, तो कुछ ना कुछ जरूर करें। जैसे आप शुद्ध और सात्विक भोजन करने का नियम ले सकते हैं, प्याज लहसुन छोड़ सकते हैं, मांस मंदिरा आदि तामसिक चीज़ों का त्याग कर सकते हैं। आप कोई भी अपनी प्रिय वस्तु का त्याग कर सकते हैं। इन चार महीनों के लिए जो भी व्यक्ति इस नियम का पालन करता है, उसे वह वस्तु जन्म जन्मों के लिए प्राप्त हो जाती है। आप और क्या नियम ले सकते हैं। आप रोज़ दीपदान का नियम ले सकते हैं, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने का, सफाई करने का, रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ों का दान करने का, तुलसी पूजा करने का, माला जाप करने का, या धार्मिक पुस्तक ग्रंथ आदि पढ़ने का नियम भी ले सकते हैं। चतुर्मास के इन चार महीनों में आप अलग अलग महीनों में अलग अलग चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। जैसे सावन में हरी सब्जियों का त्याग करना चाहिए, भाद्रपद में दही का, अश्विन में दूध का, कार्तिक में दालों का सेवन नहीं करना चाहिए। आप अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार जो भी नियम ले, उसे पूरे चार महीनों तक उनका पालन आपको करना चाहिए। देवशयनी एकादशी से आपको कोई भी नियम संकल्प के साथ आप ले सकते हैं। चतुर्मास बहुत ही पावन और पवित्र महीना है और इस बार मलमास भी है, तो आप इसका भरपूर लाभ उठाइए और भगवान के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा को और अधिक बढ़ाइए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।